वेल, अभी हमको ये प्रश्न आता है कि ये मिनिमम इन्वेजिव हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी क्या होता है। तो मिनिमम का मतलब ये होता है कि कभी कभी पेशेंट पूछते हैं कि कितने टाके लगते हैं, कितना बड़ा ऑपरेशन है, वो अक्सर कोई भी पूछते हैं। तो इसका ये कहना है मेरा कि ऐसा छोटा सा स्कार का मतलब ये, छोटा सा अगर ऑपरेशन का मतलब ये होना चाहता है कि ये ऐसा नहीं होता है कि अच्छा होता है। जितना चाहिए उतना ओपन करना चाहिए ताकि हमारा जो नया जॉइंट है, नया जोड़ जो है, उसे सही तरीके से बिठाना महत्वपूर्ण होता है। तो ऐसा नहीं कि छोटा सा काटिए और गलत लगा लीजिए, वो बात गलती है। ऐसा भी नहीं है कि पूरा का पूरा जो जितना भी ज़रूरत है उससे भी ज़्यादा भी आप ओपन करेंगे ऑपरेशन में और सही लगाइए, ऐसा नहीं। तो मिनिमम टिश्यू डैमेज होती है ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और टेक्निक से। और जब ऐसा होता है कि आपका जो रिप्लेसमेंट सर्जरी रैपिड रिकवरी के साथ होती है, जब मिनिमम टिश्यू डैमेज होता है जल्दी रिकवरी होते हैं, 3 घंटे में आपके पैर पे खड़े हो सकते हैं और 3 दिन में आप घर भी जा सकते हैं और 3 हफ्ते या 3 महीने में आप सब कुछ अपने अपना काम करने लायक हो जाएंगे। शुक्रिया।